हाय एवरीवन दिस इज़ वनिका और uh, आप लोग सोच रहेंगे मैम लेट है इन्वायमेंट के पेपर एनालिसिस को लेके बिकॉज आई वाज़ थिंकिंग आराम से करते हैं हर बड़ी में फर्स्ट रिएक्शन एंड ऑल दैट व्यूज़ गैदरिंग के लिए बहुत से एनालिसिस आ रहे होंगे एम श्योर आपने भी बहुत सारी चीज़ चेक की होंगी सो uh, so, अब टू थाउजेंड ट्वेंटी को मेरे साथ ये पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब आने आने वाले समय के लिए हमको इन्वायमेंट के लिए साइंस एंड टेक के लिए किस तरीके से तैयार रहना है जब भी मैंने अपने जो पेड बैचेस लिए इन्वायरमेंट के और साइंस एंड टेक के आ, मैंने हमेशा कहा कि थर्टी क्वेश्चन आप मान के चलिए इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक से कम्बाइंड आते हैं तो ऑलमोस्ट इस बार आप देखेंगे इन्वायरमेंट का करंट अफेयर के बाद लार्जेस्ट शेयर था जिसके क्वेश्चन आए तो इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन सेल थ्रू राइट तो डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चंस क्लेम करने के लिए नहीं आई हूँ कि ये मेरे पढ़ाए हुए से आया है क्योंकि इस बार जो पेपर था कन्वेंशनल काफी अनकन्वेंशनल था बट uh, किस तरीके से टैकल किया जाएगा यह हम एक एक क्वेश्चन को देखते हुए uh, जानेंगे बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस एनालिसिस के बाद भी कोई क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है बट आई लेट यू नो कि ऐसा क्यों है पहली बात इस वीडियो को देखने से पहले कुछ चीज़ें अपने माइंड में निकालो अनलर्न एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न अभी तक जो भी पढ़ा है दूसरी बात कोई भी टीचर अगर क्लेम करता है देखो हमसे पढ़ाए हुए में से आया है अब सिलेबस है सिलेबस तो हर कोई टच करता है अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप तो इन्वेसिव स्पीशीज क्या है कि इन्वायरमेंट का कोई भी टीचर आपको हर बार कराएगा इनफैक्ट अभी स्टडी ग्लोज पे आई थिंक वन वीक पहले ही या उससे भी कम uh, दिन पहले ही हमने इन्वेसिव स्पीशीज पे लेक्चर लिया था अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की बात है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकती है तो इस बार के पेपर में ये क्लियर हो गया कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक चीज़ मैं आपको कहूंगी जो बच्चों ने इस बार पहली बार पेपर दिया है कि आप बोलेंगे आप बहुत घबरा गए होंगे कि सब लोग ट्विटर हर सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं बहुत टफ़ पेपर है अनकन्वेंशनल है देखिए इस तरह की डिस्कशन अगर आप देखेंगे हर साल होती हैं हर बार कुछ ना कुछ नया यूपीएससी करता है क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रहे जो बच्चा कोचिंग ले रहा है जो बच्चा कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता सब एक जैसा रहे राइट तो सिलेबस तो वही है आपको टीचर वैसे ही पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाने से आपको और पढ़ने से क्या फायदा होगा कि दिमाग आप वहां पे अपने हिसाब से लगा पाएंगे और लगाना भी एंड में अपने हिसाब से ही पड़ता है टीचर का एकदम जो पढ़ाया वो वैसा नहीं आता बट आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कैसे मैं बता रही हूँ जब जब भी हमने इनवेसिव स्पीशीज पढ़ा इस क्वेश्चन को देखिए जबकि क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा मुझे भी नहीं आता है बट मैं इसको किस तरीके से सोल्व अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ किस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगी हो सकता है आपकी जगह में बैठी होती एग्जाम में मैं भी गलत करके आती बट हमारा पैटर्न सोचने का क्या होना चाहिए एंड आई अग्री जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं हमारा दिमाग अलग तरीके से चल रहा होता है बाद में हम एनालिसिस करते हैं आज टीचर्स तो अलग होता है बट आप लोगों का तो दिमाग मुझसे तेज चलना चाहिए मैं तो सिर्फ एनवायरमेंट पढ़ा रही हूँ आप तो हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सो तो आपका ब्रेन इस टाइम पे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एग्जाम देने के टाइम पे मुझसे कहीं ज़्यादा शार्प है अब ये फर्स्ट है आई ठीक है फिर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यू फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर ठीक है अब कभी भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं मोस्टली जब स्पीशीज की बात करते हैं कि स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है या जो स्पीशीज आप पढ़ते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं ये एंडेंजर्ड हैं राइट तो ये सब कंजर्वेशन कौन करवाता है ये आई करवाता है तो स्पीशीज से रिलेटेड कोई भी uh, मेजरली प्रोटेक्शन की बात हो या कंजर्वेशन की बात हो तो एक आइडिया जाना चाहिए कि आयु का काम हो सकता है इन केस अगर आपने ये अलग से भी नहीं पढ़ा क्योंकि इन्वेसि स्पीशीज कौन सी स्पीशीज़ होती हैं इन्वेसिव स्पीशीज जो एक जगह से बिलोंग नहीं करती नेटिव नहीं होती वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं या हो जाती हैं इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली और फिर वहाँ पे तबाही मचाती हैं इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती

सपोर्टिंग गवर्नमेंट्स द प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी टू एड्रेस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्योंकि इन्वेसिवे स्पीश जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है तो इसके चलते आई यूसी की जो सेक्रेटेरिएट है स्पीश सर्वाइवल स्पेशल कमीशन सर्वाइवल कमीशन इन्वेसिव स्पीश स्पेशलिस्ट ग्रुप वर्क टूगेदर टू टैकल इन्वेसिव एलियन स्पीशीज तो आई यू सी एन की सेक्रेटेरिएट और ये ग्रुप साथ में एलियन स्पीशज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ठीक है तो आई होप दिस सॉल्व योर क्वेश्चन तो आप बताइएगा मुझे कितने लोग इसको ठीक करके आए हैं कितने नहीं अब देखिए इन्वेसिव स्पीशीज़ में क्योंकि अब मुझे नहीं पता था स्पेशलिस्ट पे पूछा जाएगा लेकिन इन्वेसिव स्पीशीज़ पे मैंने हमेशा जोर दिया है बहुत अलग अलग ढेर सारे स्पीशीज़ में एग्जाम्पल्स में करवाती थी ठीक है जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा एक छोटा सा कीड़ा पूरा अंटार्टिका को ख़त्म कर देगा तो ये इन्वेसिव स्पीशीज ही है देखिए सवाल आया है तो देर इज़ नो क्लेमिंग बट हमको ये टॉपिक पता था कि इससे सवाल क्या आएगा ये नहीं पता था बट ये इम्पॉर्टेंट है हर बैच हमारा इसी तरह से आने वाला है यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट एंड इन साइंस एंड टेक की क्लासेस आपके लिए लूंगी और इसको जरूर ज्वाइन कीजिए डिटेल में क्योंकि इनवायरमेंट और साइंस एंड टेक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिला के आप दोनों पचास घंटे में खत्म कर सकते हैं कम से कम पढ़ना है और मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं ये ऐसे सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी हिस्ट्री हो गए थे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बट ह्यूज सिलेबस बहुत ह्यूज है इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं है ठीक है चलिए दूसरा देखेंगे अब आप बोलेंगे मैम क्लेम कर रही है बट स्टिल मैं बता दूं ट्विटर पे ही एक बच्चे ने मुझे टैग किया अगर आप ट्विटर मेरा देखेंगे तो उन्होंने बोला कि मैम आपका एक फ्री वीडियो नगोया प्रोटोकॉल का पढ़ा था ये क्वेश्चन मैं उसी वजह से सॉल्व कर पाया तो आई डोंट नो अब नगोया प्रोटोकॉल ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया है बट मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने एग्जैक्टली exactly ये क्वेश्चन पढ़ाया है बट उसको डिटेल में पढ़ाया है तो वो बच्चा वहाँ से सॉल्व कर पाया ये हेल्प मिल जाती है कि मैंने एग्जैक्टली exactly ये नहीं बताया कि ये आएगा बट हमने जो प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ा तो फिर आप किस तरीके से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में यूज करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नागोया प्रोटोकॉल द बायोडावर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन डिटर्मिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पार टू लिवाई कलेक्शन फीस ऑन एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन इट जुरिस्ट्रिक्शन तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं दोनों ठीक हैं तो बोथ वन एंड टू आएगा uh, so yes. करेक्ट क्लिक है आंसर इस ये पेपर किसी बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया है वहाँ से डिस्कस कर रही हूँ सो so, ना वी हैव रेड कि ना गया प्रोटोकॉल क्या है सो व्हाट दिस इज नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च्ड इन गोवा इज की टू मेंटेनिंग बैलेंस बैलेंस इन नेशन तो आप देखेंगे इस तरह की चीजें रिसेंटली बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज जो बनाई तो बहुत रिसेंट है देखो ट्वेंटी थर्ड का ये न्यूज है है ना रिसेंटली हो रहा है तो नगोया प्रोटोकॉल काफी जगह न्यूज में भी रहा है नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इसमें जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं सबको उनका एक्सेस रहे बेनिफिट रहे शेयरिंग हो तो ये सब नगोया प्रोटोकॉल में हम पढ़ते हैं बेनिफिट शेयरिंग ठीक है नगोया प्रोटोकॉल देखिए तीन ऑब्जेक्टिव है इस कन्वेंशन के सो बेसिकली दिस इज अ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ये नगोया प्रोटोकॉल आता है अब हमेशा मैं बच्चों को बताती हूँ कि कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क है कन्वेंशन हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं फिर उसको स्पेसिफिकली डिसाइड करते तो वो प्रोटोकॉल बन जाता है दिस इज न प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है उसके कॉम्पोनेंट्स को सस्टेनेबल यूज़ करना है फेयर इक्विटेबल शेयरिंग उसकी होनी चाहिए दिस इज हाउ वी रीड नगोया तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल तो देखिए कितना लेटेस्ट है कि नगोया प्रोटोकॉल के जो भी ऑब्जेक्टिव जो अभी मैंने आपको बताए भारत में उनको कौन ऑब्जेक्टिव उन को अचीव करने में हेल्प करेगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बायोडाजमेंट कमेटीज अब इम्पोर्टेंट फंक्शन इन डिटर्मिन एक्सेस अब ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिखे अगर तो आपको नया प्रोटोकॉल पता है तो पता होगा अब देखिए कितना लेटेस्ट है तेईस मई का ये न्यूज है तो आपको पेपर में मिल गया ये right? okay. ये राइट वेरी लेटेस्ट ओके अब क्वेश्चन पे हम चलेंगे जिसपे बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी को तो मशरूम से प्यार हो गया पहले कभी गुजी मशरूम के बारे में पूछते हैं इस बार ये पूछ लिया अब मैं यहाँ आप पे आपको आई वुड से बींग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस बार के दो क्वेश्चन मैंने देखे बायोलॉजी एनवायरमेंट दोनों से रिलेटेड है देखिए हाँ एक चीज और कि बहुत सी चीजें ओवरलैप हो जाती है इन्वायरमेंट की जियोग्रफी के साथ ओवरलैप हो जाती है और बायो के साथ भी ओवरलैप हो जाती है तो लेट्स एकदम कलेक्टिवली बायो में एक चीज याद रखिए बायो में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इतना बायोडाइवर्सिटी है कि शायद आज आज तक बहुत सी चीज़ें हमने यू नो मेन स्ट्रीम में ना पढ़ी हो बट वो एग्जिस्ट करती हूँ हम किसी चीज़ को ना नहीं कर सकते कि नहीं है राइट right? अगर हम बोले परमा फ्रॉस्ट में वायरसेस हैं ये पर्टिकुलर एक दो वायरस का नाम दे दें कि ये वायरसेस हैं तो हम ना नहीं कह सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी है ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन है सम मशरूम्स और मैड ऑल मशरूम्स नहीं बोला है कि सारी की सारी मशरूम्स के बारे में तो नहीं बोला इट इज़ अ फन मशरूम क्या है इट इज़ अ फन पंजाए आपके सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल तक आपके सेलुलर फंगस fun, आपके रहते हैं या फिर सम बोला है कि कुछ मशरूम्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं तो आप इसको ना नहीं कह सकते क्योंकि बायोलॉजिकल स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं कोई रिसर्च पेपर होगा जो ये प्रूव करेगा कि मशरूम्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं राइट तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि सम बोला है नाउ सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज है बच्चे इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो गए तो वही चीज बायोलॉजी का सिंपल लॉजिक कि कोई ना कोई मशरूम कोई ना कोई रिसर्च पेपर इतने लोग रिसर्च करें होगा जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी सम क्योंकि ऑल नहीं लिखा सम मशरूम्स तो बायो में आपका ये वाला लॉजिक लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होगा अर्थ पे तो दैट इज वाई ऑल फोर आर करेक्ट हियर तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज हाउ यू सॉल्व ये आपका पेपर सॉल्व करने का एप्टीट्यूड है तो ये चीज हम कहीं नहीं पढ़ाते कि अगर आप हमने हाँ फंगस के बारे में पढ़ा जो इन्वायरमेंट में आपका छोटा सा पार्ट आता है क्लासिफिकेशन का जहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने ये सब पढ़ा बट स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि बायो में ये चीज है कि आप स्टेटमेंट को ना नहीं कर सकते ओके सो आई होप यू गॉट द आंसर दैट इज ऑल फोर सो देखो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मशरूम बोन हेल्थ इंप्रूव कर रहा है इम्यून सिस्टम कर रहा है डायबिटीज कर रहा है कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है हर दूसरी रिसर्च आज कैंसर के बारे में है डिनाई दीज थिंग्स ओके चलो ये वाला देखते हैं सो वॉट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट अगर आपको याद हो अभी पहले थोड़े दिन पहले वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर मैंने लेक्चर भी लिया था और वो वाटर कॉन्फ्रेंस बहुत समय बाद हुई थी सब टीचर मैंने यूट्यूब पर तो लोग अहमियत दे रहे हैं अब ये रिपोर्ट आई थी 2022 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पे बोलता है इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विदड्रॉल ईच ईयर तो आप इसको आपने नहीं भी पढ़ा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं आप पॉपुलेशन के हिसाब से सोच सकते हो भाई इतना पॉपुलेशन है जितना हम पानी यूज करते हैं इंडिया में तो यहाँ पे मोर देन अ क्वार्टर की बात की जा रही है सो दिस बी ट्रू है ना दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू दूसरा इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर सेम लिखा ईच ईयर टू लिविंग इन इट्स टेरिटरी अब इस स्टेटमेंट को आप किस बलबूते पे इनकरेक्ट बोलेंगे क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा पानी आपकी इरिगेशन एक्टिविटीज के लिए जाता है और यहाँ पे वही पॉइंट मिसिंग है तो हम कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ पे कि एग्जैक्टली ये डेटा है या नहीं है बट यूपीएससी एग्जैक्टली आपके फैक्ट्स चेक नहीं कर रही है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रही है तो यहाँ पे इरिगेशन पॉइंट मिसिंग है तो हमको पता चलता है दैट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट क्योंकि इरीगेशन की वजह से मैं इसको इनकरेक्ट बोलूंगी कि यहाँ पे इरिगेशन को मेंशन नहीं किया गया है तो दैट इज द पॉइंट तो ये देखो यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये 2023 का रिपोर्ट है यहाँ पे 2022 की बात की है तो अब देखिए ये भी फिफ्टीन मार्च को फिर से वाटर न्यूज में था वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूज में थी तो मैंने इस बार यूपीएससी में एक चीज इन्वायरमेंट में एक चीज नोटिस की है जनवरी से लेकर जो मई तक न्यूज में रही है ना चीजें वो ज्यादा पूछी गई हैं इस बार कंटेम्प्रेरी वगैरह नहीं इतना पूछा गया रेस्ट ऑफ द पेपर आई डोंट नो बट इस केस में आई हैव सीन देखो पहले वाला न्यूज में मैंने आपको दिखाया मई का न्यूज था ये 2023 का न्यूज है और फिर वाटर कॉन्फ्रेंस भी हुई है राइट right? हाँ अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ राइट आई वो आई वुड से कि कुछ हुआ यहाँ पे देखो विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर बायो फिल्टर्स की बात की गई है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बायो फिल्टर क्या है इनको हम माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म्स जो है उनको कल्चर करने की कोशिश करते हैं बायोफिल्टर पे तो यहाँ पे एक्वा कल्चर जहाँ पे फिशेज वगैरह रहती हैं उस सिस्टम की बात की गई है कि बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अन ईट फिश फीड बायो फिल्टर्स कन्वर्ट एमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट बायो फिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फरस एज न्यूट्रेंट फॉर फिश इन वाटर अब ये वाला स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्टली exactly पता है इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉस्फोरस इज नॉट गुड राइट बायोफिल्टर को फॉस्फोरस को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है तो ऑल थ्री तो नहीं हो सकता यहाँ पे ऑल थ्री लिखा है बट दिस इज रॉन्ग ठीक है सो दिस आई नो कि ये स्टेटमेंट तो नहीं है अब दूसरा आ गया बायोफिल्टर प्रोवाइड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अन ईटन फिश फूड क्योंकि अब देखो फिश फूड वहां पे रहेगा तो क्या होगा उससे कंटेमिनेशन होगी अब हमें इन दो स्टेटमेंट से देखना है तो देखो बायोफिल्टर कन्वर्ट एमोनिया ठीक है ये स्टेटमेंट करेक्ट है अब यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि वो फिल्टर कर रहा है वेस्ट ट्रीटमेंट को फिल्टर कर रहा है देखो बायोफिल्टर मैंने आपको कहा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के लिए हेल्प करता है वहाँ पे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है नॉट एक्चुअली वी आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट परपजेस तो अगर यहाँ पे कंटेमिनेशन होगी तो इसको डिफरेंट लेवल से इसको क्लीन uh, किया जाता है बायोफिल्टर को यूज़ नहीं किया जाता बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते कल्चर प्रोवाइड करते हैं सो so, मेरे ख्याल से ये वाला स्टेटमेंट सही है ये भी गलत है ये भी गलत है सो इट कुड बी ओनली वन दिस इज अकॉर्डिंग टू मी बट ओनली टू भी हो सकता है कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये भी करेक्ट है बट आई वुड गो फॉर दिस थिंग अब यूपीएससी का की आएगा वी विल मैच सो येस आई एम बिट डाउटफुल इन दिस क्वेश्चन बट आई वुड से इट इज ओनली वन बायोफिल्टर्स कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इंक्रीज नहीं करते ये तो क्लियर है डिक्रीज करते हैं सो ऑल थ्री तो हो नहीं सकता नन भी नहीं हो सकता सॉरी सो so, एक या ओके सो दिस इज हाउ आई वुड सी दिस वेस्ट वाटर स्लज स्लजेलराइजेशन ये अलग अलग चीजें हैंक्वा एक्वाकल्चर की तो so, बायोफिल्टर उसका एक पार्ट है ठीक है ओके नाउ लेट सी दिस क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोलूशन अब हमने मिनी माता कन्वेंशन एंड ऑल में मर्क्यूरी पोलूशन जो है उसको पढ़ा है मर्क्य पोलूशन जहाँ तक मुझे याद है टू थाउजेंड नाइनटीन के पेपर में कहीं पर पहले भी इस पे सवाल आया और पॉल्यूशन इस चीज पर मैं हमेशा फोकस करती थी कि पॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ के जाइए जो अनकन्वेंशनल पोल्यूशन के सोर्सेज है उनको भी पढ़ के जाइए क्योंकि यूपीएससी अनकन्वेंशनल चीजें पूछ लेता है ना गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग से आपका पोल्यूशन होता है कोल्ड बेस्ड थर्मल फ्लाई एश निकलता है इससे इससे भी मर्करी पोल्यूशन होता है और मर्करी का कोई सेफ लेवल नहीं है कि हाँ इतना मर्करी अगर आपके अंदर चला गया तो कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा कोई सेफ लेवल नहीं है एक्सपोजर का मर्करी इज हार्मफुल कम से कम मात्रा में भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट ये मार्क्यूरी पोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि फ्लाई से फ्लायूरी पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं स्पेशली जब मैंने मिनी माता कन्वेंशन डिटेल में करवाया तो ये सारे सोर्सेस जो हैं वो बताए हैं ओके सो यहाँ पे यहाँ पे जिस बच्चे का पेपर है गलत है सो दिस इज ऑल थ्री ठीक है दिस इज द करेक्ट सो सी यहाँ पे डेट देखो फर्स्ट मार्च 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यू एन अपडेट्स ऑन मर्क्री प्रोजेक्ट्स इन सीमेंट इंडस्ट्री गोल्ड माइनिंग एंड कॉस्मेटिक्स तो जो बेसिक भी हम मर्क्योल्यून मिनि माता कन्वेंशन वगैरह आप पढ़ोगे वहाँ पे ये सब मैंशन है तो ये बहुत डिफिकल्ट ये लो हैंगिंग फ्रूट वाला क्वेश्चन है दिस शुड भी करेक्ट अगर आपने बेसिक भी पोल्यूशन मर्क्यू पोल्यूशन पढ़ा है तो so, देखो वैसे भी न्यूज सिक्सटीन मार्च से ब्राजील टैकल्स इलीगल माइनर्स बट फाइन याक्यूरी हार्डर टू इरेज तो देखो ये न्यूज में रहे हैं ये टॉपिक्स ना मर्क्य पोल्यूशन की साइकिल के बारे में ये क्वेश्चन तो इसको मैं क्लेम कर सकती हूँ कि ये मैंने पढ़ाया है साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये जो पेड बैचेज हमारे रहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तो ये मैंने इतने डिटेल में पढ़ाया है कि अमेरिका क्या जीपीएस कौन यूज कर रहा है इंडिया का क्या खुद का है सो so जापान तो इनमें से जापान ही है जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम समझे ना जो आप गाड़ी चला के जाते हो जीपीएस यूज करते हो मैप्स वगैरह देखने के लिए तो इन तीनों में से किसी का नहीं है बाकी सब लोग मोर मोर और लेस जीपीएस पे डिपेंड करते हैं जापान हैज इट्स ओन सिस्टम तो ये देखो कंपेयरिंग जी एन एस एस कॉन्स्टोलेशन जी पी एस ये आप देखो यूएस स्पेस फोर्स का है ग्लोनास ये रशिया गैलिलियो ठीक है तो आप देखोगे जाक्सा यूल फाइंड कि जापान का खुद का सिस्टम है तो इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट सो so ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन ये बायोटेक में पढ़ा है हमने वेरी ये आई वुड से कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए दिस शुड बी एन ईजी वन एंड अदरवाइज बाकियों को बताती हूँ कि कैसे करना है इसको माइक्रो सेटेलाइट डीएनए तो डी की बात हो रही है डीएनए क्या है हमारा हेरिडिटी मटीरियल यानी ये बच्चा माँ पे गया है बाप पे गया ये सब आपका डीएनए डिसाइड करता है तो यहाँ पे पूछा कि एन डीएनए जो है फिर ये रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं डीएनए के ये किस चीज के काम आते हैं स्टडिंग द एवल्यूशनरी रिलेशनशिप वेरियस स्पीशीज़ ऑफ फोनाटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इन टू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज

तो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं इससे रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट की कौन जानवर किसके कितना क्लोज है जब हम बोलते हैं कि हमारे एनसेस्टर्स कौन हैं एनिमल्स में से या कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई सो डीएनए हेल्प सो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आपके माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट आपको हेल्प करते हैं माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट डीएनए आपकी हेल्प करते हैं दे आर रिलेटेड टू जिनोमिक्स ओके ये डीएनए का बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट है जो बार बार रिपीट होता है ये सब हमने पढ़ा है में बायोटेक में आपका ये कवर होता है ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ओके दिस वॉज अगेन आई वुड से मोर और लेस ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दॉय इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिय भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ इतनी बारिश होती है कि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह जाते हैं वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते तभी कहा जाता है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है कि हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है क्लीन कर रहे हैं वो एयर को बट वहाँ पे रीजेनरेशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती तो ये आपका स्टेटमेंट वन गलत हो जाता है दूसरा स्टेटमेंट है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली तो पहला वाला तो आपका गलत ही हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं बचती तो बच्चा क्या डेफिनेटली ये चीज़ है क्योंकि रेन फॉरेस्ट में आपका क्या होगा हाई टेम्परेचर होगा मॉइस्चर क्योंकि इतनी बारिश हो रही है मॉइस्चर भी होगा तो उससे क्या होगा कोई भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं डीकम्पोज हो जाते हैं बहुत जल्दी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी है आपका बहुत जल्दी सड़गल जाएगा

और स्पीशीज यहाँ पे बहुत सारे आपके पाए जाते हैं तो यस दैट इज इट एक चीज बोलूंगी इस बार आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन स्पीशीज इन न्यूज में तो स्पीशीज इन न्यूज और पोल्यूशन में हमेशा बोलती थी कि इंपॉर्टेंट है तो दोनों में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज सब पे सवाल आया है ठीक है लुक एट दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ इंटरवेंशन बिंग अंडरटेक मुक्त भारत स्ट्रेटेजी अभी यह गवर्मेंट स्कीम है एक्चुअली बट यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ले लिया आयरन की कमी हो गई बॉडी में तो अनीमिया को हम कवर करते हैं बट दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम तो यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिक प्रोफाइल एक्टिक का क्या मतलब होता है इंग्लिश भी स्ट्रॉग होना चाहिए किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए जब हम लेते हैं कई बार होते हैं ना लोग थर्टीज के हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं प्लीज हमको कोई बीमारी ना लग जाए क्योंकि थर्टी के बाद आपकी बॉडी थोड़ा सा डिग्रेड करना शुरू होता है थर्टी तक यू आर कोई ना कोई बीमारी लगना शुरू होगा थर्टी फोर्टी के बाद अब आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा ये लोग बोल रहे हैं कि अगेन वुड से एलिमिनेशन बिल्कुल काम नहीं करता एलिमिनेशन वर्क्स आई शो यू में आपको पता है कि यार खून की कमी हो रही है खून में आयरन जब भी आप डॉक्टर के पास ये बेसिक नॉलेज है ना कि खून की कमी हो गई डॉक्टर क्या बोलेगा कि आयरन के सप्लीमेंट ले लो यही बोला जाएगा अब एनीमिया मुक्त भारत एनीमियाजी में वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात क्यों करेंगे नहीं करेंगे ना कि कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन दो नहीं किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे काट सकते हो तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है कि ऑल फोर तो नहीं है राइट right. फिर यहाँ पे आप देखेंगे इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजिज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हेमोग्लोबिनोपैथिस एंड फ्लोरोसिस। क्योंकि अब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर लाती है उसके साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड करती है क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिनोपैथिस दे रखा है सो दिस कुड बी राइट ठीक है अब ये वैसे बाकी के ऑप्शंस ऐसे हैं कि यू शुड हैव रेड द ग्लोबल दिस गवर्नमेंट स्कीम इट रन अ कैंपेन ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये भी आयरन की वजह से होता है इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट और डी वार्मिंग ये एडिशनल चीज इसके साथ ऐड की हुई है सो ओनली थ्री आर द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन सॉरी आंसर ठीक है आई होप यू गेट इट सो so, ये मैं देखो प्रोफेरेक्टिक आयरन और फॉलिक दिया जा रहा है डी वार्मिंग कराई जा रही है कम्युनिकेशन uh, कैंपेन चल रहा है एनीमिया को डिजिटल मेथड से ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज जो हैं एंडेमिक में एंडेमिक uh, पॉकेट्स में वो भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है दिस क्वेश्चन अगेन वुड से ये तो हम कहाँ ही पढ़ते हैं एक बेसिक नॉलेज है आपने पढ़ाई की है या नहीं की है तो भी uh, एक uh,

एंड स्मार्ट फोन रोटेशन जब अपना फोन आप टिल करते हैं तो लैंडस्केप मोड में आता है या पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है इन हाउ मेनी ऑफ अबाव एक्शन इज फंक्शन ऑफ एक्सलरो रिक्वायर्ड टू यूजली ऑल थ्री में ठीक है हर जगह क्योंकि कहीं ना कहीं दिंग्स आर रिलेटेड टू द स्पीड आप उसको एक्सलरेट कर रहे हैं तो कोई चीज एक्टिवेट हो रही है गाड़ी में एक्सीडेंट कब होता है एयर बैग्स आपको मालूम हो थोड़ा सा अगर आप आ, सोचेंगे एयर uh, बैग्स आपके तभी खुलते हैं वेन यू हैव क्रॉस्ड स्पेसिफिक स्पीड या इतनी जोर से कोल्यूजन हुआ है राइट सो ऑल थ्री इसका आंसर है सो आई वॉन्ट से कि ये हम कहीं पढ़ेंगे बट ओके यूपीएससी ने पूछा है तो क्या कर सकते हैं एक्सेलरोमीटर इज अ डिवाइस तो इंजीनियर्स को शायद यहाँ पे फायदा हो सकता है एंड जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया एक्सेलरोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स वाइब्रेशन या एक्सेलरेशन ऑफ मोशन तो मोशन को बेसिकली वो देख रहे हैं कोई चीज लैपटॉप गिर रहा है तो मोशन हो रहा है ना वाइब्रेट हो रहा है उसकी स्पीड है कोई पर्टिकुलर तो कोई चीज आपकी एक्टिव हो रही है ओके दिस वाज बेसिक आई वुड से ये आ, आपको आ जाना चाहिए कंसीडर द सिफाइड्स दिफाइड पल्सर्स कौन से पेयर्स करेक्टली मैच जाए ये तो पहले भी यूपीएससी पूछता था सो so, सिफाइड्स ये स्टार्स हैं बेसिकली ब्राइट स्टार्स हैं तो क्लाउड्स तो नहीं है नेबुला एक्चुअली इधर उधर कर दिया है मुझे लगता है इसका जाइंट क्लाउड्स हैं डस्ट के नेबुला तो पल्सर्स का करेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूएल एंड कोलैप्स तो आप देखेंगे मैंने बहुत बार ये पिक्चर्स अपने साइंस एटेक में यूज़ किए हैं तो सिफाइड एक स्टार्स है जिसकी लाइट इंटेंसिटी चेंज हो चेंज होती रहती है और मेजरेबल पीरियड्स में अगर आप देखेंगे बट ब्राइटनेस उसकी हम देखते रहते हैं वेब टेलीस्कोप मैंने बहुत बार पढ़ाया है नासा का वेब टेलीस्कोप वहाँ पे जो उसने कुछ पिक्चर्स ली थी वो मैं शेयर कर दी थी नेबुला क्या है इस तरह की पिक्चर्स हमने ने बहुत बार शेयर किया यही सेम पिक्चर जॉइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस सो so यस yes, वन एक ही स्टेटमेंट उसमें ठीक था Now coming to this, carbon fibers are used in manufacture of components using automobiles and aircraft. This is right कि हम carbon fibers को use करते हैं, but carbon fibers को हम recycle नहीं कर सकते ये totally wrong है। So यहाँ पे क्या पूछा? Which of the following statements are correct? तो हाँ, बस ये statement आपका correct है, दूसरा statement आपका गलत है। Recycle हम बिल्कुल कर सकते हैं carbon fibers ये भी हमने science and tech में पढ़ा है जब हम nanotechnology and all पढ़ते हैं carbon nanotubes and all पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम carbon fibres को mention करते हैं। सो so, यस yes. अरे ये क्वेश्चन तो आई कैन टोटली क्लेम ये तो मैंने हज़ार बार पढ़ाया है क्लास में आई वुड से क्रैश कोर्स में भी करवाया है नॉर्मल भी पढ़ाया है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल डायग्राम बना बना के समझाया है तो मेरा पढ़ाया हुआ ये कोई गलत करके आएगा तो मुझे बहुत दुख होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रॉपल्ट जेट प्रॉपल्ट कहाँ होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होती है. एट सब सोनिक स्पीड थ्रू आउट देर फ्लाइट थ्रू आउट तो फ्लाइट्स नहीं होती शुरू में होती हैं थोड़ा सा बाद में वो ग्राविटी के कारण ही गिरती हैं और क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट उल्टा लिख रखा है यहाँ पे है ना बैलिस्टिक में आप इनिशियल फेज में उसको थोड़ा सा पावर देते हो बाद में वो ग्राविटी के हिसाब से जाता है क्रूज़ को आप थ्रू आउट पावर देते हो तो उल्टा रखा है ये स्टेटमेंट तो गलत है टोटली गलत अग्नि फाइव इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो भाई क्रूज मिसाइल है क्या अग्नि वाइल ब्राह्मोज इज अ सॉलिड फ्यूल इंटर कॉन्टिनेटल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे भी उल्टा दे रखा है तो ये तो बहुत क्लियरली एग्जाम्पल्स के साथ ये लेक्चर तो बहुत डिटेल में पढ़ाया फ्री लेक्चर भी यूट्यूब पर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं uh, बहुत बार बताया आई थिंक दिस आई कैन क्लेम कि ये तो बहुत बार पढ़ाया क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी बच्चों को क्रूज बैलिस्टिक और ये एग्जाम्पल्स समझाने में तो नीदर वन एंड टू दोनों गलत स्टेटमेंट बोथ आर रॉन्ग ओके okay. तो so, ये ये वाले स्क्रीन भी मैंने कई बार यूज़ किए हैं दोनों के डिफरेंसेस कई बार बताएं कि बैलिस्टिक क्या होता है क्रूज क्या होता है ये देखो ये डायग्राम मैंने अपने लेक्चर से ही उठाई है गूगल से ही ली कहीं पे बट इसी के थ्रू मैं समझाती थी यहाँ पे ये आपका बैलिस्टिक है एंड दिस इज़ योर क्रूज ठीक है जिसको आपको पावर करना पड़ता है इसको ज़रूरत नहीं है पावर देने की सो इंडिया ने अग्नि फाइव सो दिस न्यूज इज फ्राम अक्टूबर ट्वेंटी एट ये लॉन्ग रेंज सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी अग्नि फाइव तो यहाँ पे क्या पूछा था अग्नि फाइव का एक सेकेंड क्रूज लिखा ना अग्नि फाइव को क्या लिखा है क्रूज मिसाइल बोला देखो न्यूज़पेपर में ही टॉप पे ही दे रखा है कि इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है अभी डिटेल में नहीं देखते इसको आप पी चाहिए होगा तो ये वाला पी मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगी तो आपको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे ओके सो दिस इज बिट ऑफ जोग्राफी बट इट इज ओके मैं मैंने ये इसलिए क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल सी लेवल की फॉल्स की वजह से कोई चीज़ बनी है गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड तो वहाँ पे मार्श लैंड है अब देखो मार्श लैंड स्वैम्प्स ये सब क्या है वेट लैंड के एग्जाम्पल्स में हम यूजली इनको कवर करते हैं स्वैम्प्स मार्श लैंड हो गए जहाँ पे थोड़े सॉफ्ट पेड़ पौधे लगते हैं ज्यादा वुडी वाले नहीं लगते में आपको वुडी ट्रीज वगैरा तो uh, so, ये मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे तो पेड़ हैं तो यहाँ पे मार्श लैंड पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए उड़ीसा में है तो मैंग्रोव्स हैं मैंग्रोव्स के तो पेड़ हैं तो एटलीस्ट मार्शी तो नहीं हो सकते दैट वुड बी स्वैम्पी ठीक है अब नावपादा स्वैम्प भी नहीं हो सकता क्योंकि मार्श पूछा है तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जाते हैं अगर आपको नहीं भी आता सीधा उससे जो मार्श लैंड पूछ लिया है इस वर्ड से ही आपके दो ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इसमें हमारा कम सॉल्ट पैंस या रन ऑफ कच तो अगर आपने रन थोड़ा भी बेसिक जोग्रफी पढ़ा है तो आप देखेंगे रन ऑफ कच का फॉर्मेशन रिपीटेड फॉल सी लेवल की वजह से हुआ है पिक्चर में भी देखेंगे ऐसे 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 रन ऑफ कच क्रीक्स वगैरह हैं वहाँ पर दैट इज योर रन ऑफ कच तो वहाँ से आप ये आंसर uh, समझ सकते हैं दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से दे फिफ्टी फिफ्टी में आपको देखना है सी लेवल राइज से इस तरीके से मार्श माइग्रेशन आपकी होती है ये मोर ऑफ अ जोग्राफी ओके वॉट इज दिस ऑल कंट्रीज एडोप्टेड फर्स्ट एवर कम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन आई थिंक दिस इज मोर ऑफ इकॉनमी नॉट माई चलो डाल दिया जाए इट्स ओके ये देखते हैं कंसीडर द ट्रीज जैक फ्रूट रोज सबसे सब खाते होंगे कटहल की खुशी से और वहां पे कटहल को पहचान नहीं पाए आप अब ये भी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं डेसीडियस कौन से होते हैं एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहेंगे और डेसीडियस जो पत्ते जिनके झड़ते हैं राइट पत्ते क्यों झड़ते हैं प्लांट्स के इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है पानी की कमी से बचाने के लिए उनका साइकिल उस तरीके से चलता है तो कटहल अगर आप देखेंगे तभी जो चीज़ खाते हैं ना उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कटहल इज़ अ एवोग्रीन ठीक है तो यहाँ पे आप टीक वुड यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाते हैं लोग टीक का क्या क्या नहीं करते महुआ इसका आप झारखंड में अगर आप देखेंगे आप ये इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था क्योंकि इसकी ना झारखंड में लोग एक ड्रिंक बनाते हैं थोड़ा अल्कोहलिक ड्रिंक होता है वो तो लोग पीते हैं उसके अब वो फ्लावर्स जो हैं वो गिरते हैं एक सीजन में तभी उसको कलेक्ट किया जाता है महुआ को सो यस महुआ एंड टीक ये पत्ते इनके झड़ते हैं दे आर डेसीड्यूस बहुत सिंपल सा है थोड़ा बेसिक नॉलेज और डेसीड्यूस ट्रीज़ क्या होते हैं ये आपको मालूम है और ये मुझे लगता है डेसीड्यूस ट्रीज़ क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए जैक फ्रूट क्या होता है तो ईजी था ये क्वेश्चन बहुत लो हैंगिंग फ्रूट आई वुड से और ये डेसीडूएस में मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स बहुत सारी देती थी और समझाती थी तो ये मैंने अपने ले रखा है लेक्चर से स्क्रीन शॉट ले रखा है वॉलबाचिया अबाउट द द रेफरेंस टू ऑफ फॉलोइंग ये काफी न्यूज में मेरा आई वुड से करंट अफेयर मेरा है इसलिए पूछा गया दिस इज रिलेटेड टू मस्कीटोज की कंट्रोलिंग द वायरल स्प्रेड बाय डिजीजेसिटो से बहुत ज्यादा बीमारियां होती है तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं वॉलबाचिया जिस मच्छर में होगा तो उसके एग्स हैच नहीं कर पाएंगे तो वॉलबाचिया जिसमें होगा वो एक नॉर्मल मच्छर से जब मेट करेगा तो जो उनके एग होगा वो हैच नहीं कर पाएगा तो ये काफी टेक्निक जो है वो न्यूज में रही है राइट सो यस न्यूज से वो करेंटली पूछा गया है एरियल मेटाजोनोमिक्स ये क्या मतलब है

यूजिंग एयर devices to टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स moving मूविंग एनिमल्स भाई ऐसा कुछ तो अभी नहीं सुना सेंडिंग ड्रोन टू इन एक्सेबल to टू कलेक्ट animal samples from land लैंड सरफेस वाटर बॉडीज नो ठीक है तो ये तो नहीं है इसको आप नहीं देखेंगे कलेक्टिंग डी एन ए सैम्पल्स फ्राम एयर इन at हैबिटेट एट वन को अब इसमें क्या है क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं हवा से क्योंकि हवा में इतने वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया हैं उनका भी तो जिन्होंने हम चेक करेंगे ना तो ये एरियल मेटाजो जिनोमिक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि डीएनए के जो सैंपल्स हैं हवा में किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या क्या वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा तो दिस वाज कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स डी एन ए हैबिटेट तो देखो आ, ये एट्थेंड ट्वेंटी टू में न्यूज में रहा है इकोनॉमिस्ट में आया है वाइल्ड लाइफ कैन नाउ बी डिटेक्टेड बाई स्निफिंग डी इन द एयर दिस इज एरियल मेटाजिन देखो कितने मैं आपको यही बता रही हूँ जनवरी से मई के बीच में जो चीजें न्यूज में रही हैं वो पूछी गई हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हम्म इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था बट यू कैन मार्क सी फॉर नाउ बट थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट वन जो है ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट है अब कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द स्टेट आई वुड से प्राइवेट सेक्टर है इसमें इन्वॉल्व बिकॉज बट ऑल टूगेदर प्राइवेट सेक्टर है uh, वो गलत हो जाएगा सो so अब यूपीएससी इसको किस तरीके से स्टेटमेंट को देखेगी वाई एम नॉट श्योर कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट कर तो सकते हैं बट सिर्फ यही कर सकते हैं तो दैट इज वाई एम बिट कन्फ्यूज इन दिस बट लेट्स मार्क सी फॉर द now फॉर नाउ क्योंकि ऑल टूगेदर ऐसा नहीं होता सो स्टेटमेंट वन को हम करेक्ट यहाँ पे मानते हैं कार्बेट कार्बन uh, मार्केट uh, में नो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग लाइन टेल्ड मकाक मालाबार सिवेट सांबर डियर मकाक मकेक क्या है इट्स अ काइंड ऑफ बंदर मंकी सो ये तो आप नहीं बोल सकते कि रात को एक्टिव रहेगा वो तो दिन को डायरनल है डायरनल mm. जब मैं वैसे भी पढ़ाती हूँ डायर्नल और नॉक्टर्नल में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं तो सिविट का एग्जाम्पल मैंने नॉक्टर्नल में बहुत क्लियरली दिया है अगर डियर को लेकर आप कन्फ्यूज हैं तो ये शाम के बाद काफ़ी एक्टिव होते हैं अगर आप डियर को जनरली जानते हैं सांबर डियर्स तो शाम के बाद आफ्टर सनसेट दे आर वेरी एक्टिव क्योंकि पे लिखा है नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट सो दैट इज डियर दिस सांबर डियर टू ओनली टू आर करेक्ट हियर तो ये तो वेरी क्लियर है कि दिस इज नॉट द आंसर सिविट इज हंड्रेड परसेंट द आंसर ये तो एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाई हैं सांबर डियर का भी लिखवाया है एग्जाम्पल बहुत बार ओके okay. किस किस में हाइड्रोफ्लोरोबन हैं, एरोसोज में हंड्रेड परसेंट फोम्रेड परसेंट फायर में भी हैं। आई विल गो फॉर डी ऑल फोर बट कई बार होता है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मैम लुब्रिकेंट्स में तो नहीं होते बट कोई ना कोई रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पे लिखा है कि लुब्रिकेंट्स में होते हैं नाउ लेट्स सी कि यूपीएससी किस लेवल तक जाके इस आंसर को चेक करती है बट आई वुड से ऑल फोर सब में हाइड्रोफ्लोरोबन बिल्कुल है ओके विच वन ऑफ द फॉलिंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वागल डांस अब सबको अपना मेट अट्रैक्ट करने के लिए या फूड देखने के लिए अलग अलग डांसेस जो है ऑर्गेनिजम्स करते हैं वेरी स्पेसिफिकली इट इज गिवन एवरीवेयर हनी हानीवीज का जो डांस फूड के लिए रहता है उसको वागल डांस बोलते हैं दिस इज वेरी क्लियर ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा वागल रन इस तरीके से अगर यहाँ पे फूड है वो इस डायरेक्शन में झूमती भी जाएगी उसके पीछे वाले उसको फॉलो करेंगे तो वागल डांस ये वाला थोड़ा था बट क्योंकि औरंगुटान का नाम हमने इतना ज्यादा बहुत जगह एग्जाम्पल्स में नहीं पढ़ा है यहाँ पे बोला गया कि ये एक टूल बनाता है स्टिक से इंसेक्ट्स को वुड से निकालता है होल करके और उसको खाता है तो अगर ऑटर आपको पता है तो so, ऑटर के बारे में यू कैन से कि ऑटर ये काम नहीं करता स्लॉथ बियर भी ये काम बियर्स भी इस तरीके से तो नहीं खाते नहीं सुनाए इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते थे बट देन यू पी एस सी इज़ यू पी एस सी दिस इज़ द करेक्ट आंसर तो आर द हेवीएस्ट ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स हैं ये और ये टूल्स यूज़ करते हैं तो बहुत क्लियरली यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की साइड पे अगर आप देखेंगे लिखा है दे आर क्लेवर क्रिएचर्स एंड

दे आर ओमनी वोरस दिस इज हंड्रेड परसेंट राइट बहुत लोग सोचते हैं कि स्कॉल्स सिर्फ गिलहरी जो है सिर्फ नट्स वगैरह खाती है ऐसा नहीं होता वो नट्स भी खाती है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब खाती है ठीक है तो ये ओमनी वोरस है इंसेक्ट्स को खाएगी छोटे छोटे चुन के नीचे से अब दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इंडियन स्कॉल्स जो है ना वो नेस्ट बनाती हैं पेड़ पे रहती हैं नेस्ट बना के ग्राउंड स्कूल्स भी हैं लेकिन वो मेजरली अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका और अफ्रीका में कुछ जगह पाई जाती हैं इंडिया इंडियन स्कूल्स जो है वो नेस्ट पेड पे बनाती हैं ग्राउंड पे नहीं बनाती तो ये तो हंड्रेड परसेंट गलत है ठीक है और ये वाला हंड्रेड परसेंट राइट है ये मुझे पता है नाउ आई एम कन्फ्यूज इन दिस वन जो मुझे अभी बहुत ज़्यादा सर्च किया मुझे समझ नहीं आया द स्टोर देयर फूड मटीरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड सो आई वुड से कि वो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट पर रहती हैं इंडियन स्कोल्स तो वो नेक्स्ट में ही स्टोर करेंगी ग्राउंड में क्यों स्टोर करेंगी जो ग्राउंड स्कोल्स हैं वो स्टोर करेंगी ग्राउंड में तो ओनली टू के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगी uh, कि ये सॉरी नॉट ओनली टू ये वाला मैंने कहा कि नहीं करती और ये भी नहीं करती हाँ ओनली वन के साथ ठीक है आई वुड लाइक टू गो विद ओनली वन ओके okay, अब हर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको अलग बता रहा होगा बट मैंने आपको बताया कि रीजन ऑफ चूजिंग ओनली वन कि अगर सिर्फ स्कॉल्स लिखा होता तो आई वुड से कि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है अगर सिर्फ स्कॉल्स लिखा होता तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट होती बट यहाँ पे गेम खेल दिया इन्होंने इंडियन स्कॉल्स लिख के तो इंडियन स्कोल नेस्ट अपना ग्राउंड में नहीं बनाती ट्रीज पे बनाती है अगर ट्रीज पे रहेंगी तो ग्राउंड पे स्टोर करके रखने का मुझे समझ में नहीं आता ना तो वो नेस्ट खाना तो वहीं पे नेस्ट में स्टोर करेंगी तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं तो अगर यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया तो ये भी करेक्ट हो जाएगी फिर ऑल थ्री हो जाएगा बट आई वुड से कि ओनली वन कि ओमनी वोरस नेक्स्ट पे रहती है नेस्ट पे स्टोर करती हैं यही मान के चलो ओके okay, नीचे से खाती हैं खाना बट दे डोंट स्टोर आर दे फीड ऑन नट्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट्स स्मॉल मैमल्स को भी खाती हैं रेप्टाइल्स एग्स चिक्स ऑफ बर्ड्स को भी खा जाती हैं देखो खतरनाक है तो जैसे हमने मशरूम वाला क्वेश्चन किया था ये भी बिल्कुल वैसा है लो हैंगिंग फ्रूट एकदम कि क्यों आप बायो में कोई चीज़ मना नहीं कर सकते सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिल्कुल पॉसिबल है कैन ग्रो इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की माइक्रो ऑर्गैनिजम्स की ऑल थ्री ठीक है यहाँ पे आप कुछ मना नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी हर चीज के लिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी, भी रहते हैं एक्सप्लेनेशन आगे आप इनको कर लेना जब आप मेरा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मैंने हजारों बार पढ़ाया भाई बहुत बार पढ़ाया ग्रीन हाइड्रोजन ऑल थ्री करेक्ट इसको मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मैंने बहुत बार पढ़ाया ग्रीन हाइड्रोजन पर्पल हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन अलग अलग हाइड्रोजन कई बार बताया डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज होता है इंटरनल कंबस्टन में बिल्कुल यूज होता है नेचुरल गैस से ब्लेंड कर सकते हो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज हो सकता है गाड़ियों को के लिए बिल्कुल ऑल थ्री आर करेक्ट तो ये बहुत बार लेक्चर में साइंस एंड टेक में करंट अफेयर में हमने बहुत बार पढ़ा अभी पीछे ट्रेन भी चली थी एक हाइड्रोजन से तब भी हमने ये टॉपिक कई बार अनगिनत बार इसको कवर किया तो ग्रीन हाइड्रोजन पे तो सवाल आना ही था ओके दिस इज विच विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लाट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस इज वेरी ईजी आई वुड से नन ऑफ दैम यूज सी वाटर क्यों जो कोस्टल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लाट्स होंगे वो सी वाटर यूज नहीं करेंगे कूलिंग परपज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए पानी को बिल्कुल यूज़ करेंगे नन ऑफ दैम इज सेटअप इन देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना एक्सट्रीम तो हमेशा गलत होता है नन ऑफ दैम इज सेटअप इन वाटर वाई देर आर मैनी सेटअप इन वॉटर स्ट्रेस और देर आर मेनी विच आर प्राइवेटली सारी स्टेटमेंट आपकी इन करेक्ट है सो नाउके करेक्ट आंसर सो दिस इज मोर ऑफ योर बेसिक नॉलेज जोग्राफी इन्वायरमेंट की मिला के अगर आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन करने के लिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मार सुपियल्स क्या है जो कि मैंने बहुत बार बताया है मारसूपियल्स और मैमल्स में क्या फ़र्क है कहीं ना कहीं करंट अफेयर में और, और, और कवरिंग स्टार्टिंग किया है मार्सुपियल्स पाउच होता है जिनका जिनका बेबी पाउच में ग्रो करता है लाइक कैंगरू और कंगारू जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो मार्सुपियल्स इंडिया में नहीं पाए जाते नेचुरली बिल्कुल राइट है ये ठीक है ये तो अगर आपको मारसूपियल्स पता है तो आप इसको कनेक्ट कर जाओगे अब यहाँ लिखा है मारसूपियल्स कैन थ्राइव इन माउंटेन ग्रास लैंड्स विद नो प्रेडिट तो अगर आपको पता है मारसूपियल्स में कंगारू आता है कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग अलग जगह पे पाया जाता है डेजर्ट्स में भी पाया जाता है हर जगह पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रास लैंड में वो भी माउंटेन इज माउं माउंटेन वाले नॉर्मल फ्लैट ग्रास लैंड में भी पाया जाता है तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट आंसर सी है इसका स्टेटमेंट वन करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट आई थिंक आई वुड से दिस इज ईजी

पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन तिम्बर हाँ बिल्कुल करेक्ट है एंड पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जैसे झूम स्लैश एंड बर्न कल्चर ये अलाउड नहीं है ठीक है तो बिल्कुल अब कम्युनिटी रिजर्व एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें विलेज काउंसिल्स नॉर्थ ईस्ट में आप स्पेसिफिकली देखेंगे विलेज काउंसिल्स बनाई गई कि वो देखेंगी किस तरह से कम्युनिटी रिजर्व्स वर्क कर रहे हैं बट हाँ उनकी ओवरऑल अथॉरिटी जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास चली जाती है तो ये पहले तीन आपके करेक्ट हो जाते हैं लास्ट में ये है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते बट नॉन तिबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्ट कर सकते हैं तो यस ठीक लिखा था यहाँ पे ठीक है आंसर सी ओनली थ्री सो आपको सब आना चाहिए नेशनल पार्क्स क्या हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं कम्युनिटी बहुत बार इस बार बच्चे पूछे थे मैम कोई क्वेश्चन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे नहीं आया तो प्रोटेक्टेड एरिया से क्वेश्चन आना है तो कम्युनिटी रिजर्व पे उन्होंने पूछ लिया राइट सो ओके नाउ लुक एट दिस कंसीडर दाइनली ग्राउंड रॉक ऑन फॉबलेंड्स अब ये है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन पे अब आपको मालूम पहले ये होना चाहिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती क्या है तो ये हमने बहुत बार कवर किया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन को आप रिमूव कर रहे हो एटमोस्फेयर से दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो कार्बन किस कौन कौन सी चीजें कार्बन को कैप्चर कर पाएंगी कई लोग बसाल्ट रॉक अपने खेतों में डालते हैं या सिलिकेट भी डालते हैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है बट यस दे डू इट तो वो कार्बन को कैप्चर करता है तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इंक्रीजिंग द द ऑफ बाय एडिंग लाइन ये हमने ओशन एसिडिफिकेशन में पढ़ा है दिस इज करेक्ट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इन टू अब सप्टेरियन माइंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स ऐसा भी बिल्कुल करते हैं तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आंसर इज सी दिस इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपको पता होगा तो आप दिमाग लगा के उसको कर लेंगे ओके okay. ठीक है सो दैट इज इट आई होप मुझे जितने क्वेश्चन दिखे बाकी मैं बोलूंगी आप जोग्राफी में कुछ उठा के बोलेंगे मैम ये इन्वायरमेंट के बट देर नॉट इन्वायरमेंट तो यहाँ पे बीच में जोग्राफी ओवरलैप हो रही है बट दिस इज प्योरली ये एटलीस्ट हमने कवर किया है कोई ना कोई टॉपिक हमने ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड ऑल कवर किए हैं तो इस बार भी आप देखेंगे स्पीशीज इन न्यूज़ पॉल्यूशन ये सब इंपॉर्टेंट रहा बट यस पेपर वाज अनकन्वेंशनल बट मेरी जितने बात बात हुई है अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ट्विटर पे बहुत सारे कमेंट्स हैं बहुत लोग बहुत ख़राब पेपर है हाँ सीजेट है बहुत टफ था टेंथ लेवल का तो नहीं था जो यूपीएससी बोलता है बट जी के लिए मैं बोलूँगी मैनेजेबल था अनकन्वेंशनल था वियर्ड था बट मैनेजेबल था ऐसा नहीं है कि प्योर तुक्का था लक था आई टॉक टू सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रिलम्स क्लियर किया है एक दो बार लास्ट टाइम भी किया है कुछ इंटरव्यू में भी बैठे हैं बट किसी वजह से इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हो पाया उनका इस बार भी प्रल्लम्स क्लियर हो जाएगा तो दैट मीन्स जो लोग बार बार पीछे वाले पेपर्स में भी प्रिल्मस क्लियर कर रहे थे और इस बार भी प्री क्लियर करेंगे दैट मीन्स नॉलेज वर्क्स तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने सब पढ़ा है अब आप पेपर में किस तरीके से दिमाग लगाएंगे वो मैटर करेगा और दूसरी बात अब नेक्स्ट ईयर जो पेपर देने के लिए जाओगे तो ये मत सोच के जाना कि अब वन टू थ्री वाला स्टेटमेंट आएगा क्या बताए एक बार यू सिर्फ चार स्टेटमेंट्स ही चार ही ऑप्शन है उनमें से एक करेक्ट हो बिल्कुल ईजी कर दे या हो सकता है फिलअप्स कहीं से लेके आ जाए तो कोई सेट पैटर्न नहीं है कुछ भी हो सकता है आपको रेडी रहना है फॉर द डी डे सो कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे आप मुझे कनेक्ट कीजिए एंड बहुत जल्दी हम टू थाउजेंड के लिए इन्वामेंट का कोर्स आई विल लॉन्च थैंक यू सो मच